दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए एसएससी की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। एसएससी सीएचएसएल भर्ती मई 2023 की अपडेट आ चुकी है। मई 2023 में नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी मई में ही शुरू होने जा रही है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पीए या एसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ की यहां पर पोस्ट निकली है। 4000 बम्पर वैकेंसीज निकली है। एसएससी में न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। मई 2023 की अपडेट आ चुकी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट पीए या सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए की पोस्ट निकली है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। बात अगर वैकेंसी डिटेल की जाए तो 4000 के लगभग वैकेंसी होंगी। आवेदन इस भर्ती के लिए स्टार्ट होंगे 9 मई 2023 से। मई 2023 की ये बड़ी भर्ती की अपडेट है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जून 2023 है। एग्जाम डेट जुलाई या अगस्त 2023 में है। सैलरी डिटेल की बात की जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से 81,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी फीमेल या ईएक्सएसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। ssc.nic.in नीस की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का इसके लिए टाइम होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश कंपेरिजन के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। 100 टोटल क्वेश्चन होंगे और 200 मैक्सिमम मार्क्स इसमें होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 200 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का इसके लिए यहाँ पर इसमें आपको टाइम दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो टीयर सेकंड एग्जाम का यहाँ पर पैटर्न। यहाँ पर एसे राइटिंग के लिए 200 से 250 वर्ड लिमिट है। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए 150 से 200 यहाँ पर वर्ड लिमिट है। इसी तरह यहाँ पर टीयर थर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर जानकारी दी गई है। टीयर सेकंड में आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर टीयर सेकंड का ये यहाँ पर सेट होगा एग्जाम और इसमें यहाँ पर 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स होंगे इसके लिए। और टीयर थर्ड में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, स्किल टेस्ट और डाटा एंट्री ऑन कंप्यूटर पर होगी इंग्लिश में। यहाँ पर 8000 की डिस्प्रेशन होंगी पर आवर, 27 वर्ड पर मिनट यहाँ पर अराउंड 1600 वर्ड पर आवर यहाँ पर इसमें होंगे। 2000 से 2200 की डिस्प्रेशन होगी यहाँ पर। आप देख सकते हो टेस्ट रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर टीयर थर्ड में भी आप पूरी जानकारी चेकआउट कर सकते हो। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें आपका। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 मिनट का यहाँ पर टाइपिंग में टाइम मिलेगा और स्किल टेस्ट के लिए आप 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये यहां पर पूरा पैटर्न दिया गया है। दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट
INDI सरकारी नौकरी .in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। 9 मई को आपको लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर एक डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से आप इस भर्ती की PDF डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। 9 मई से आवेदन शुरू होंगे और लॉग इन करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके राइट साइड में लॉग इन का सेक्शन है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करते हुए लॉग इन करके फॉर्म फिल करना होगा। ध्यान रखिए 9 मई को ही एक्टिवेट होगा आवेदन करने का लिंक, आप 9 मई से ही आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।